तो देखो यार हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं, डोगरा म्यूजियम। बाहर ही देखो कितना बढ़िया है। तो आइए आपको मुबारक मंडी में मिल जाएगा, आर्मी हेडक्वार्टर्स के अंदर। और ये फी है, एंट्री फी, सिटीजन इतना, फॉरनर इतना, प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स इतना, गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट 2 रुपीज़। वाह, जब म्यूजियम की एंट्री करेंगे ना भाई, देखो यार कितना कुछ पड़ा और क्या ब्यूटी है यार। पुरानी चीज़ें देखिए, ये बाउल है, एक ब्रास का ही लग रहा है मुझे जो है। और ये सारी पेंटिंग, बाप को मैं आगे जाके दिखाता हूँ। ये पेंटिंग देख रहे हैं बुद्धा की, तो आगे जाके देखिए। ये आप चीज़ देखिए, ये मुझे लगता है फ्लेम वाला है, दोनों साइड फ्लेम जलती होंगी पक्का। इसमें ये ट्रे आ गई, छोटी ट्रे है। ये शंख आ गया जो आप मंदिर में भी देखते हैं, शंख बजते हैं। ये फूलदान आ गया, ये फूलदान देखो ब्रास का लग रहा है मुझे तो। और देखो यार बढ़िया, जो भी है उस टाइम जो कारीगर काम करते थे, आप देख सकते हैं यार कितनी बढ़िया चीज़ बना रहे हैं लोग। ये आज भी मिलता है, इसमें शायद कावा मिलता है। आजकल कश्मीरी जो कावा मिलते हैं हम लोगों को, इसमें ही मिलते हैं ना। हाँ यार मैंने पिया हुआ है एक बारी कश्मीरी। हाँ देखा, 19th century का। ये सारे यूटेंसिल्स हैं जो वो किचन में यूज़ करते होंगे, सर्व करने के लिए यूज़ करते होंगे, मुझे लग रहा है सारे यूटेंसिल्स पे काम। देखो यार कितना बढ़िया काम हुआ है। और अब हम आगे चलते हैं। अब ये आगे डोगरी केटल, ये डोगरी केटल है, इसमें चाय देते होंगे। अब हम यहाँ चलते हैं। एक तो ये आगे यूटेंसिल्स आ रहे, और भी आगे बॉक्स आ गया, एक वुडन बॉक्स है शायद, नहीं ब्रास का बॉक्स है ये। कितना उस पे वर्क देख रहे हो, बीट्स बने हैं जो, कितना बढ़िया वर्क हुआ हुआ है। अब हम म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, ये सितार आ गया, सितार जो हम लोग अब भी प्ले करते हैं, उस टाइम भी प्ले होता था। देखिए कितनी पुरानी चीज़ है, 19th century। और उसके बाद देखिए आगे चलते हैं हम आगे, ये ढोलक आ गया, ढोलक के साथ इनकी स्टिक्स पड़ियाँ, देख रहे हो स्टिक्स भी हैं। और ये पीपनी है साथ, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, मुझे लगता है पीपनी। इस पर वर्क देखो यार ढोल पे। अब ये पीपनी आ गई जो शादी में भी बजाते हैं, मगर उस टाइम राजे महाराजों के टाइम की ये चीज़ होगी। और ये थोड़ा सा ये है, ये डैमेज है हल्का सा, क्योंकि पुराना हो गया है, उस टाइम इन्होंने रिस्टोर किया होगा। देखो और ये स्टैचूज़ हैं, ये छोटे छोटे मेल हेड स्टैचू, 4th-5th century। ये फीमेल हेड सेंचुरी, हाँ ये फीमेल हेड आ गया, ये वुमेन हेड आ गया 4th-5th century का भाई। ये चाइल्ड हेड छोटे, अब आपको दिखाता हूँ। देखो ये चाय पीने के लिए कप था, ये कड़छियाँ आ गई जो हम लोग अभी यूज़ करते हैं, पुरानी वुडन कड़छियाँ। इसके अंदर ये कुछ बनाते होंगे, जैसे चावल हो गया, कुछ डिशेस होगी, ये सब कुछ बनाते होंगे इसके अंदर। ये ग्लास आ गया, प्लेट आ गई, ट्रे आ गई। ये ग्लास देख रहे हो, ग्लास पे वर्क देखो यार कितना बढ़िया, 19th century का। और ये यूटेंसिल्स हो गए, जैसे हम जिसमें वुडन बॉक्सेस हैं इसमें सब्जीज डालते होंगे, जब हम डाइनिंग टेबल पर वैसे रखते नहीं है, वैसे कुछ करते होंगे। तो आप देख रहे हैं जो फैब्रिक के ऊपर ऐसे स्टैम्प से वो करते हैं, जैसे स्टैम्प से कलर बनता है ना, ये देखो पूरे सांचे बोल सकते हो, इस एक सांचे बोल दो। हाँ ये आ गया एक और वुडन का सामान, ये आ गया चरखा, इसमें क्या फैब्रिक बनाते हैं, कॉटन हो गया पूरा चरखा है ये पुराने टाइम का। साथ में फ़ोटो देख रहे हो, इसमें बता भी रहे हैं कैसे बनाना है, ये उस टाइम यूज़ करते होंगे। ये चिल्लम आ गई भाई, उस टाइम की चिल्लम। वाह यार नाइस। ये वुडन बॉक्स आ गया, इसके अंदर कुछ सामान रखते होंगे, अपनी ज्वेलरी का भी हो सकते हैं या मेकअप का कुछ सामान होता होगा शायद उसमें रखते हो। ये स्पेशली ज्वेलरी बॉक्स है, देखो जो बॉक्स की शेप भी है पूरी ज्वेलरी बॉक्स की है। एंट्री होके अब हम यहाँ घुसते हैं। ये आ गई सामने तोप, पुरानी तोप आ गई अपनी। ये अब सारे वेपन्स जो इनके पुराने वेपन्स थे, ये गन्ने, उस टाइम पुरानी गन्ने होती थी, कारतूस इसमें कुछ होता होगा ना, हमें 19th century की है राइफल, 19th century JNK राइफल। हाँ ये देखो आगे से कैसी है कहानी। ये मुझे लगता है इसके अंदर वेपन का सारा सामान रखते होंगे, गोली शोली बारूद। ये देखो कितनी पुरानी है, ओ भाई वॉकिंग स्टिक, किंग की सिल्वर वॉकिंग स्टिक। उसके साथ दोनों ये सिल्वर आ गई, ये इनकी तलवारें आ गई,
गॉर्डन एक्स स्वॉट, कितना कुछ है देखो जो जिससे ये फाइट करते हैं। और वही पुराना चल रहा है हमारा। वेपन की बात की जाए देखो ये वेपन्स आ गए। अभी तक प्रिजर्व करना इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, मगर देखो रखा है। डोगरा म्यूजियम में आओ यार आप लोग, देखो क्या चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ देखने के लिए। ये बो तीर कुमान, हाँ वही है बो वही है। ये छोटी छोटी गन्स उस टाइम की, नाइस यार पुरानी चीज़ें। उसके बाद देखो ये गन्स आ गई, ये आ गई तलवार, और ये कौन सी गन है, 19th century सिंगल बैरल। ये क्लोज में बताता हूँ देखो, ये तो यहाँ बारूद डालते होंगे आगे डालते ना, आगे डालते पीछे बारूद से ठा होता है, इधर जलाते हैं, इधर जलाते होंगे। ये आमर्स आगे देखो, ये डैमेज भी हुआ ना, यहाँ कुछ लगी होगी। 1846 का यार, 1946 भाई साहब, नाइस। ओ मशीन गन, हाँ यार मशीन गन, मशीन गन 8 barrel गन, गन 7 barrel, सिंगल बैरल 7 barrel। उस टाइम की सोचो, अभी भी यही गन्ने चल रही हैं, बस थोड़ी एडवांस हो गई हैं। उसके साथ देखो ये गन आ गई सिंगल बैरल, ये सारी सिंगल बैरल गन है। ये सिंगल, ये क्या है, ये भी कुछ होता होगा तोप शोप, छोटी तोपें होंगी मुझे लग रहा है। नाइस यार फिनिश बड़ी प्यारी है, ये विंचेस्टर गन पे लो। ओ ये वही है ना, ठक ठक ठक, ये गेम्स में देखते हैं हम, है ना, विंचेस्टर गन, नाइस। पाउडर गन, कौन सी पाउडर गन, पाउडर गन का है, ओ पाउडर गन, इसमें बारूद डलता है आगे से। तो ये चाकू आगे छोटे छोटे, कितने सारे वेपन्स हैं यार। ये तीर कुमान, बो शाहजहां, शाहजहां बो ऑफ शाहजहां 17th century सबसे पुराना। देखो फिनिश देखो यार इसकी, नाइस यार। ये मिनिएचर पेंटिंग गैलरी है, यहाँ बहुत सारी आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगी जो आप देखना चाहो। आप आओगे तो यार आपको पता लगेगा, क्योंकि ढेर सारी पेंटिंग्स हैं, मैं आपको सारी तो नहीं दिखा पाऊँगा, बट ये पूरी गैलरी है पेंटिंग्स की। जैसे देखिए सारी डिटेल्स भी लिखी है, कौन सी पेंटिंग है, कब बनी थी, और सारी पुरानी पेंटिंग्स हैं तो उस टाइम बनती थी। कृष्ण जी की देखो कितनी सारी पेंटिंग्स हैं, 19th century, ये भी कृष्ण जी की 19th century AD, ये भी कृष्ण जी। ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स गैलरी आ गई म्यूज़ियम के अंदर, ये हम आ गए, ये आपको पुरानी बुक्स मिल जाएंगी यहाँ सारी, पुराने जो जो लिखा हुआ है उन्होंने, संस्कृत में है शायद ये। ओ कश्मीर की प्लेसेस के बारे में सब लिखा हुआ है इसमें। उसके साथ इंटरेस्टिंग है यार, अध्यात्म रामायण संस्कृत होगी ना, ये शायद संस्कृत ही होगी, भगवत पुराण, गुलिस्तान उर्दू, रामायण, नाइस यार रामायण। मैप है यहाँ, साम सीढ़ी कुछ ऐसा ही है जो हम लेटर खेलते हैं, शाम सीढ़ी कुछ हो सकता है, शोर नहीं है हम लोग क्या है, मगर ये लग तो गेम ही रही है ये स्नेक लेडर वाली। महाभारत, वो नाइस, गीता सार, यार उस टाइम सोचो ये लिखते थे यार। गुरु महिमा, गुरुमुखी, ये पंजाबी में आती है। अच्छा ये पंजाबी लिखी होगी, गुरुमुखी पंजाबी में। फिर रामायण, हॉरोस्कोप, चीज़ आपको दिखाना भूल गया देखो, ये पुराने फैन। तो यहाँ से जब आप आओगे ना इस साइड आके एक अंदर आपको मिल जाएगा पुराना ज्वेलरी सेशन है, ये आपको
कॉइन्स हैं ये, है ना? न्यूमिस्मैटिक गैलरी। कौन सी गैलरी है? न्यूमिस्मैटिक। हाँ देखो कॉइन, सब पुराने कॉइन। ये ज्वेलरी सेक्शन आ गया, ये ज्वेलरी सेक्शन में सारे इनके प्रॉप्स आ गए जो भी हैं। ये सब डोगरा कल्चर की ज्वेलरीज। ये ज्वेलरी बकरवाल, बकरवाल वुमेन क्या क्या वेयर करती थी उस टाइम ज्वेलरी में। सारी पुरानी ज्वेलरी है भाई। ओ नाइस, ये पायल होंगी, पंजेरे हैं, शायद नेकलेस भी हो सकता है। देखो उसके ऊपर आर्ट हुआ हुआ है यार, पुराना मिरर से। हाय आप देख रहे हो आप जो चुप रहे हो आप देख रहे हो उसमें ये ढोगरा ज्वेलरी आ गई, पुरानी ज्वेलरीज। तो ये पुरानी चिमनी आ गई, ठीक है, उसके साथ डोगरा। आप बोल सकते हैं ये सारा सामान लोड, इसमें खाना शाना बनता होगा पूरा। डोगरा सगला डोगरा सगला 90, इसमें खाना शाना बनाते होंगे। हमाम ये हमारा है, देखो ये क्या है, मेटालिक बिग ट्रे। बिग ट्रे भाई, ट्रे कितनी बड़ी है। इसके अंदर राशन डालते होंगे, है ना? नहीं food, इसको पीसते भी है मैनुअली। हाँ, फूड ग्रेन कुछ ग्राइंडिंग करते हैं। ये मटके, इतने बड़े बड़े मटके हैं, 19th सेंचुरी ड्रैगन स्टैचू। ये चेक का आटा पीसने के लिए, ये रोटी पकाने के लिए है। ये गाजर डोगरी, हाँ ये भी हमाम है। ये अलग शेप आ गई हमाम की, इसमें शेप ये वाली अलग है और इसमें ये शेप अलग आ गई। ये चेयर पुरानी चेयर होगी, मेटल ट्रे। नाइस यार, इधर आपको ना सारा स्टोन वर्क मिल जाएगा जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना अभी। अंदर जाके सब कुछ स्टोन वर्क हुआ हुआ है, बढ़िया बढ़िया स्टोन वर्क हुआ, आपको दिखाता हूँ पत्थर पे क्या क्या बनाया हुआ है। इतनी ब्यूटी वाली चीज़ें बनाई हुई है, देखिए देख रहे हो उस टाइम पे भाई पत्थर पे क्या शेप है। देखिए ऐसे तो ढेर सारा यहाँ आपको आर्ट मिल जाएगा। ये नंदी जी हैं, देख रहे हो स्टोन पे कैसे कैसे आप, यार उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें बनती थी ना, इट वॉज अमेज। मैं मुझे बहुत बढ़िया लगा था ये चीज़ें देख के। आप लोगों को यार आना तो चाहिए डोगरा म्यूज़ियम, यार एक बार ही आके एक्सपीरियंस करोगे ना तो आप भी बोलोगे वाह यार हमने क्या क्या चीज़ें बढ़िया चीज़ें देखी हैं, ये देख रहे हो। और मैं बहुत टाइम से सोच रहा था यहाँ विज़िट करने का, मैं तो आ गया। देखो ये तोप है पुरानी, अब ये कैसे चलती होगी उस टाइम तो भाई उनको ही पता है। ये स्टोन वर्क और आ गया स्टोन पर, देखो ये कुछ स्टोन वर्क किया हुआ बढ़िया सा। ये मूर्तियाँ हैं, बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं यार ये सारी, एक्चुअली थोड़ी थोड़ी डैमेज मूर्तियाँ हैं क्योंकि पुरानी मूर्तियाँ तो आपको पता ही होगा कि इन्होंने कैसे रिस्टोर की होंगी। आपको स्टोन की शेप दिखाता हूँ आगे इन्होंने क्या बनाया। देखो एक तो ये मॉडर्न आर्ट आ गया आपके सामने और उसके साथ देखो स्टोन की शेप कैसे बनाई होगी। आर्टिस्ट कितने बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट होंगे उस टाइम जिन्होंने ये इतना प्यारा काम किया है। देखो ये मॉडर्न आर्ट, आर्टिस्ट का नाम भी नीचे लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया नीचे आर्टिस्ट का नाम, विजय सराफ। नाइस वर्क यार, ज़रूर आके आप
विजिट करना चाहिए। देखिए कितनी ढेर सारी पेंटिंग्स आपको देख ही रही होंगी आगे पीछे। तो म्यूजियम से बाहर आ गए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी ना तो भाई जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना मत भूलना, और आप मुझे बताना नेक्स्ट जगह जम्मू में आप कौन सी देखना चाहते हैं, मैं ट्राई करूंगा जरूर बनाने की। बाकी जय हिंद जय भारत, बाय।